सिंह हमसे माफी नहीं मांगती है और जब तक इसके एनआरसी को और शहर को वापस लेके नहीं आती है तब तक हमारे ये एहतजाज जारी और सारी रहेंगे। इंशाल्लाह हम ये एहतजाज इसी तरीके से कर उन्हीं को रिफर कीजिए मीडिया को बोलने के लिए, क्योंकि देखिए मुल्क के हालात बहुत बदतर हैं, बहुत बदतर हैं, बहुत बदतर हैं, बहुत बदतर हैं। एक एक मीडिया गोदी मीडिया बन चुकी है, मोदी मीडिया बन चुकी है। देखिए दोस्तों यही वो चीज है जो इस बात का एहसास दिलाने किया माननीय के खजूर मौका है। लेकिन दिल्ली पुलिस के गुंडाइयों ने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर घुसकर उन पर लाठीचार्ज किया। फिर उसके बाद वही महदूद नहीं रहे, यहाँ तक के जो वॉशरूम में जो बेचारे बच्चे अपनी जान छुपा के बच गए थे उनके ऊपर भी लाठीचार्ज। सरायों से पता चलता है कि 3 की मौत हो चुकी है अभी तक जामिया के अंदर, कहाँ तक सही है। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ये सही ना हो, क्योंकि आई थी आजादी के जो राख है उन्हें पलट के देख लीजिए। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त न था जिस पे हमारे असलाब की गर्दनें न लगती। और आज हमें आजादी का पाठ सिखाना चाहते हो, आज हमें देशभक्ति का आजाद सिखाना चाहते हो। अरे हम तो वो हैं, अगर मल्ला भी खाए ना तो उसका